हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगीराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द जेनर डायोड। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेनर डायोड क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का अर्थात विशिष्ट प्रायोजन है पीएन संधि डायोड का। ये कह सकते हैं कि यह एक विशिष्ट प्रकार का संधि डायोड है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रकार का संधि डायोड है जिसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम के अनुसार सी जेनर के अनुसार सी जेनर के अनुसार जेनर डायोड रखा गया। ध्यान रखिएगा कि जेनर डायोड एक विशिष्ट प्रकार का संधि डायोड है जो पीएन संधि डायोड है, जो पीएन संधि डायोड की पश्च दिशित बायसित में कार्य करता है। या कह सकते हैं यह पीएन संधि डायोड के पश्च बायस में कार्य करता है, कार्य करता है तथा या भंजक बिंदु पर अर्थात भंजक वोल्टता या ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के कारण ही इसे जेनर डायोड या भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है ना, यह ब्रेकडाउन अर्थात भंजक बिंदु पर कार्य करता है तथा इसका उपयोग जो करते हैं, इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी खास बात है कि जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड एक पीएन संधि डायोड का विशिष्ट प्रकार का प्रयोजन है जो इनके खोजकर्ता अर्थात सी जेनर के अनुसार इसका नाम जेनर डायोड रखा गया। ठीक है ना, अब यह पीएन संधि डायोड के पश्च बायस में और ब्रेक डाउन क्षेत्र अर्थात भंजक बिंदु पर कार्य करता है, इसीलिए इसे जेनर डायोड या भंजक डायोड या भंजक वोल्टता कहते हैं। भंजक बिंदु पर प्राप्त वोल्टता को भंजक वोल्टता या जेनर वोल्टता कहते हैं और इसका उपयोग जो है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो कैसे इसका यूज करेंगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि जेनर डायोड के लिए ये पश्च दिशित बायस में कार्य करता है, अर्थात इस तरीके से होता है। ये वोल्टता है, ये आई मिली एम्पियर और आई माइक्रो एम्पियर, ये जो बिंदु होता है वी इक्वल टू वी जेड होता है जिसे हम जेनर वोल्टता कहते हैं इस बिंदु पर, और सीधे ये इस तरीके का मिलता है निश्चित मान, यानी यहाँ पर इस वोल्टता का मान बदलता नहीं है, निश्चित हो जाता है धारा का मान कितना भी बढ़े। तो ये पॉजिटिव वोल्टता है और ये निगेटिव वोल्टता है। तो ध्यान रखिएगा ये इसका आई वी कर्व है, आई वी वक्र, और ये इसका संकेत है ये इसका संकेत। तो जेनर डायोड के लिए क्या होता है कि जब पी व एन में अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिश्रित कर देते हैं, तो जो W है लेस देन 10⁻⁶ मीटर की कोटि की हो जाती है। ठीक है ना, अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ पर हमने देखा कि ये इसका डायग्राम है, आई बी
वक्त और ये इसका संकेत है। तो क्या होता है कि पीएन संधि में जब हम अत्यधिक मात्रा में डोपिंग कर देते हैं, अर्थात अत्यधिक मात्रा में हम अशुद्धि मिश्रित कर देते हैं, तो अवशय परत की मोटाई जो है, ठीक है ना, रोधिका चौड़ाई लेस देन 10^-6 हो जाती है। और अतः यदि वी बराबर 5 वोल्ट का भी कम से कम वोल्टता अप्लाई कर दें तो E=V/D यानी 5/10^-6, तो 5×10^6 वोल्ट प्रति मीटर का प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ कि जब P तथा N प्रकार अर्धचालकों में अत्यधिक मात्रा में जब हम अशुद्धि मिश्रित कर देते हैं तो रोधिका चौड़ाई या अवशय परत की मोटाई जो होती है 10^-6 मीटर से भी घट जाती है, कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में न्यूनतम वोल्टता लगभग 5 वोल्ट भी लगाने से प्रबल वैद्युत क्षेत्र 5×10^6 वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति पर जब ये वोल्टता उत्पन्न होती है तो ध्यान रखिएगा कि जब V=VZ होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसकी धारा के मान में प्रबल परिवर्तन होता है, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है ना। ध्यान रखिए कि जब ऐसी स्थिति होगी कि धारा के मान में प्रबल परिवर्तन होता है, अर्थात ऐसी स्थिति होती है जैसा IV वक्र में दर्शाया गया है कि धारा के मान में कितना भी परिवर्तन कर दें, यानी धारा का मान कितना भी बढ़ता जाए लेकिन वोल्टता का मान V=VZ पर आकर निश्चित हो जाता है, वोल्टता का मान नहीं बढ़ता, इसीलिए इसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट करते हैं, नोट करिएगा कि जब P तथा N प्रकार अर्धचालकों में अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि मिश्रित करते हैं तो रोधिका चौड़ाई या अवशय परत की मोटाई 10^-6 मीटर से भी घटकर कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में न्यूनतम वोल्टता लगभग 5 वोल्ट लगाने पर भी प्रबल वैद्युत क्षेत्र 5×10^6 वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त होता है। और जैसा कि IV वक्र में दर्शाया गया है कि V=VZ स्थिति जैसी ही होगी इसकी धारा के मान में एक ड्रास्टिक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वो ये कि धारा के मान में कितना भी बड़ा परिवर्तन हो लेकिन वोल्टता का मान निश्चित हो जाता है, वोल्टता के मान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में करते हैं और इस वोल्टता को V=VZ, इस वोल्टता को जेनर वोल्टता कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये पश्च दिशित धारा में परिवर्तन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे हम अशुद्धि मिश्रित करते हैं इसमें, तो अशुद्धि मिश्रित करने पर जैसे ही V=VZ स्थिति आती है, स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो P2N तथा होल जो है वो N से P की ओर गतिशील हो जाते हैं, ठीक है ना। जो है इलेक्ट्रॉन P से N क्षेत्र की तरफ तथा होल N क्षेत्र से P क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक इस स्थिति में 10^6 वोल्ट प्रति मीटर कोटि में प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही V=VZ स्थिति आती है, हम यह डिस्कस कर रहे हैं कि ये धारा के मान में ऐसा परिवर्तन कैसे आया, पश्च दिशित धारा में वृद्धि कैसे हुई। तो जैसे V=VZ स्थिति आती है, इलेक्ट्रॉन P से N की ओर तथा होल N से P की ओर गतिशील हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगभग 10^6 मीटर वोल्ट प्रति मीटर की कोटि में उत्पन्न होता है। और यह वैद्युत क्षेत्र उन आतिथेय परमाणुओं या अतिथि परमाणुओं से उन इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए पर्याप्त होता है जो N क्षेत्र की तरफ गतिशील थे। ध्यान रखिएगा, वो इलेक्ट्रॉन जिनको जो N क्षेत्र की तरफ गतिशील थे उनको खींचने के लिए पर्याप्त हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का वह मान जो अतिथेय परमाणुओं से उन इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए पर्याप्त होता है जो N क्षेत्र की ओर गतिशील थे, उस वैद्युत क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं।
इसका कोटि 10^6 वोल्ट प्रति मीटर की होती है। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है ना, वोल्टता नियंत्रक के रूप में, तो देखिएगा ये है अनियंत्रित वोल्टता और अनियंत्रित वोल्टता, इसके यहाँ पर एक आरएस है और श्रेणी क्रम में हमने क्या कर दिया कि जेनर डायोड जोड़ दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर लोड है आरएल, तो यहाँ बहने वाली धारा आईएल है और सीरीज में जो प्रतिरोध जोड़ा है आईएस, वहाँ पर प्राप्त धारा आईएस है। यहाँ पर निर्गत जो मिलेगा, निर्गत नियंत्रित वोल्टता होगी। ठीक है ना, तो देखिएगा जब हम जेनर डायोड को एज अ वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आरएस के श्रेणी क्रम में जेनर डायोड को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब जो निर्गत प्राप्त होगा वो आरएल में प्राप्त होगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि निवेशी अनियंत्रित वोल्टता में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होने से, ठीक है ना, निर्गत में भी कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन होगा, फ्लैक्चुएशन प्राप्त होगा, अर्थात अगर हम आरएस में आईएस धारा कुछ वोल्टता बढ़ाते हैं तो आईएस का मान बढ़ेगा, आरएस का मान बढ़ेगा तथा आईएल का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा जब निवेशी वोल्टता बढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अब हम उस स्थिति पर विचार कर रहे हैं कि जब धारा का मान में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम निवेशी में कुछ वृद्धि करते हैं तो आईएस के मान में वृद्धि होगी, आरएस के मान में वृद्धि होगी तथा आईएल के मान में वृद्धि होगी, लेकिन जेनर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या निवेशी का मान कुछ घटाते हैं तो आईएस का मान घटेगा, आरएस का मान घटेगा तो आईएल का मान भी घटेगा, अर्थात लोड में बहने वाली धारा भी घटेगी। इस स्थिति में भी बीजेट का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि निवेशी में सूक्ष्म वृद्धि करने से आईएस आरएस और आईएल में वृद्धि होती है, या निवेशी में कुछ कमी करने से आईएस आरएस और आईएल में कमी होती है, किंतु दोनों ही स्थितियों में वोल्टता अर्थात जेनर वोल्टता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इससे स्पष्ट होता है कि जेनर वोल्टता का मान एक स्थिर मान है जो कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके,